आपको बता दें कि नगर निगम सदन की बैठक में क्या कुछ बोले कांग्रेस पार्षद, मीटिंग भी अच्छी थी, चीटिंग भी अच्छी थी। जी हाँ, नगर निगम मथुरा वृंदावन की सदन की बैठक में विपक्षी पार्टी के पार्षदों ने जताई नाराजगी। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के 6 पार्षद हैं, 5 पार्षदों की सहमति से पार्षद धनंजय चौधरी को कैबिनेट सदस्य बनाने की मांग की गई थी, जो कि महापौर के द्वारा पूर्व में रह चुकी कैबिनेट सदस्य को ही दोबारा कैबिनेट सदस्य की जिम्मेदारी दी गई। इस पर आकर्षित पार्षद के द्वारा क्या कुछ कहा, आप भी सुने। मथुरा से पीयूष यादव की रिपोर्ट। 69 नंबर वार्ड से घनश्याम चौधरी पार्षद हूँ, और हम ही सभी पार्षदों ने मिलकर आप ऐसी समझ मिलाकर अपने एक कैंडिडेट को चुना, जो कि पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व निभाने के कैबिनेट के लिए जाना है। जब हम लोग चुन नहीं पा, अपने पार्षद दल को हम चुन के भेज रहे हैं वो, और वहाँ जाके वो किसी और का नाम ले रहे हैं, ये तो एक सदासद चीटिंग हुई है। और मैं इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। आगामी आने वाले कल में देखो, गवर्नमेंट हर एक की बदलती है, हर एक का आने वाला कल होता है, उस कल में जो आज हमको दिख रहा है कल हमारी पार्टी भी ऐसी करेगी। तो आज जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस बात का कर रहे हैं? इस बात का विरोध है, जब हमने अपनी सहमति से, 5 पार्षदों की सहमति से एक अपना एक प्रतिनिधित्व निभाने वाला एक व्यक्ति चुना गया है, तो उसको जिसका नाम नहीं बोला जा रहा है, ये गलत है। इस तरीके से ये प्रोटोकॉल के भी गलत है। जब हम पार्षद हैं, कांग्रेस ने हमको चुना है, और पार्टी के हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारा सभासद दल का नेता इन चीज़ को चुनने के बाद उसको चुनता है, और उसको फिर हम कैबिनेट में मेयर साहब और उनके पास भेजते हैं, उसके बावजूद भी वो उनका नाम नहीं बोला जाता है, ये सदासद गलत किया गया है। इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, और आज ही मैं अपना कांग्रेस पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कांग्रेस से सभासद हुआ हूं, मैं आज अपना इसी कैबिनेट में अपना पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जब पार्टी का हमारी का कोई वजूद ही पार्टी के अंदर नहीं रखा गया, जब हम सभासद दल का नेता हम चुनने के बाद भी हमारा पद नवा नहीं रखा गया, तो आगामी कल होने वाले कल में इससे निर्दलीय रहना वो उचित है। कम से कम हमको आगे मौका तो मिलेगा। जैसा कि आज बोर्ड बैठक हुई, तो आपने अपने प्रस्ताव रखे, क्या क्या कुछ प्रस्ताव थे और किस प्रकार से पारित किए गए? देखिए, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग बहुत अच्छी हुई, पार्षदों के लिए ईटिंग भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन मन में अफसोस हुआ, लास्ट में चलते चलते चीटिंग भी बहुत अच्छी हुई। जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेटों का आज गठन होना था, नई कैबिनेटों का गठन होना था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रथम कैबिनेट के लिए प्रस्ताव रेणू चौधरी जी, पत्नी तिलकबीर चौधरी के लिए दिया था हमने। अब वो एक साल बाद कैबिनेट में से चीटिंग की उनका मानते हैं? देखिए, चीटिंग तो ये है ही, क्योंकि जब कांग्रेस पार्षद दल की मीटिंग होने के बाद में जब धनंजय चौधरी के नाम पे प्रस्ताव था, हमने लेटर भी महापौर जी को भी दिया है और नगर आयुक्त साहब को भी दिया है, लेकिन हमें ये कहते हुए काफ़ी अफसोस हुआ कि इन्होंने हमारे लेटर देने के बावजूद भी जो कैबिनेट, एक कैबिनेट कांग्रेस पार्टी के पास आनी थी, वो इन्होंने हमें नहीं दी। इसका हमें अफसोस है, क्योंकि सभी पार्षदों ने एक तरीके से वोटिंग करने के बाद में धनंजय के लिए सपोर्ट किया था। और 5 पार्षद जहाँ मौजूद हैं इस समय आपके सामने खड़े हुए हैं 5 पार्षद, छठी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैबिनेट सदस्य नहीं बना, कोई कैबिनेट सदस्य नहीं बना, और यही अफसोस है। मीटिंग अच्छी हुई, ईटिंग अच्छी हुई, और चलते चलते में ये चीटिंग भी काफी अच्छी हुई। तो इसको क्या मानते हैं आप? ये लोकतंत्र की हत्या है और क्या है? मेरा नाम धनंजय चौधरी है, और मैं वार्ड नंबर 53 से कृष्णापुरी से पार्षद हूँ। सब पार्षदों ने 5 पार्षद है हमारी पार्टी के, जिन लोगों ने मेरे नाम पे ठप्पा लगाया था, जो कि कैबिनेट सदस्य बनना चाहते थे। तो जब सबकी सहमति हो चुकी थी, हमने मेयर साहब को और नगर आयुक्त जी को बकायदा रिसीविंग लेके इस चीज़ की सूचना दी थी कि हमारी पार्टी की तरफ से धनंजय सिंह जी का नाम है, तो वो उसको आगे प्रोसीड करते। पर उन्होंने क्या किया, जो पहले से चलता आ रहा था, जो घेसला पहले से चलता आ रहा था, जो घपला पहले करना था और जो होना था आगे, उस पर वो मुखरबंद रहे, और उन्होंने रेणु तिलकवीर चौधरी जी को
उसमें पार्षद मतलब कैबिनेट सदस्य में बना दिया। अब वो क्यों बनाया ये उनको हमें नहीं पता है, क्योंकि वो हमारी ना तो हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट हैं ना वो कुछ हैं। और अगर वो कांग्रेस की कैंडिडेट भी लिया गया तो कांग्रेस से पूछ के लिया गया होता तो अच्छा होता। अगर हम लोगों की सहमति अगर इसमें मान्य नहीं है तो हम बेकार हैं, और यहाँ पर हमारा फिर सदस्य होना ये बेकार है। और इसके लिए हम परसों आज की मीटिंग में जी आप लोगों का जो कांग्रेस से है उसमें एक भी पार्षद जो कैबिनेट का सदस्य नहीं बनाया गया जी, किस प्रकार से इसका आप रोष व्यक्त करेंगे? रोष ऐसा व्यक्त होगा, परसों हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप लोगों का स्वागत है, मैं आपको अभी से अवगत करा रहा हूँ इस बात की। और परसों हमारा धरना रहेगा नगर निगम के गेट पर ही और नगर निगम मथुरा पर ही इसका धरना रहेगा कि हमारे बिना पूछे या बिना कार्रवाई उसके ऊपर किए हुए जो हमने लेटर दिया है ये अपने मर्जी से तानाशाही वाला रवैया नहीं चलेगा। ये नगर निगम है, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मथुरा वृंदावन नगर निगम में हम लोगों की बहुमत कम है कांग्रेस पार्टी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने हिसाब से सारे काम होंगे इनके। इन्होंने अपने हिसाब से सारे काम कर लिए। बीजेपी का जो बनाना था तिलकवीर चौधरी जी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी पत्नी को इसमें ही ज्वाइन करा लिया। जब कांग्रेस का लेना ही नहीं था तो फिर कांग्रेस की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इस बात को बोलते हुए लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ये पिछली बार भी मेरे संग ऐसे ही हुआ था, पिछली बार भी सबने बहुमत की थी और इस बार भी दोबारा बहुमत की है, फिर उसके बाद भी बना दिया कोई ना कोई।